शो टाइम, अभी बाहर का शो है हिंदी में, तो चलिए टेस्ट ली जाए। पहले आता है सोलर सिस्टम जो ग्रह सन, पहले आता है सन। हाँ तो चलो पहले मास पे देखते भाई का वेट कितना आ रहा है। कार्ल जीस यूनिवर्सल प्लेनेटोरियम प्रोजेक्टर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहरू प्लानिटेरियम जो था जो है वो 1977 3 मार्च को इनॉग्रेट किया था। अपना जो अर्थ है ये कौन से गैलेक्सी में आता है? ओके तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है शनिवार और हम लोग आ चुके हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में, और आज हमको साथ देने के लिए अपने साथ है अपने नीलेश भाई। बोलो नीलेश भाई, क्या बोलते हैं? जोर से अरे क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है? सब एकदम, आज छुट्टी है तो जगह घूमने आए। चलो आज छुट्टी है तो अपने नीलेश भाई भी हमारे साथ घूमने के लिए आए। तो चलो पहले, अभी लेट हो रहा है तो पहले हम जाते हैं सीधा नेहरू प्लेनेटोरियम के अंदर। और हमारे साथ अभी बैक साइड में देख सकते हैं पीछे सुमित भाई है। तो चलो पहले अभी 12 बजने के लिए आए तो पहले जाते हैं, 12 बजे का शो है तो पहले वो अटेंड कर लेते हैं, और जो भी कुछ भी रहेगा तो आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में। शो टाइम, अभी 12 का शो है हिंदी में। 150 रुपया टिकट है, 3 सीट तो ले ली हमने। तो चलो पहले अंदर ही जाते सीधा। तो ये अपना सोलर सिस्टम है गाइस, देख सकते हैं। चल सोलर सिस्टम के ग्रह बताओ। ग्रह का नाम पहले तो ना, इकड़ा बगुन ना है, इकड़ा उबा। चलो तो चलिए टेस्ट ली जाए। पहले आता है सोलर सिस्टम के ग्रह सांग। पहले आता है सन। हाँ। फिर आता है मर्क्यूरी। बराबर। फिर आता होगा वीनस। बराबर। फिर आता है अर्थ। हाँ। फिर आता है मार्स। हाँ हाँ। फिर आता है जुपिटर। हाँ। ठीक है, चल पूरा चल। अब ये बिग बैंग थियरी का भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे मून पैनारोमा यानी चंद्र विराट दृश्य है। चलो एक बार आपको दिखा देते बढ़िया से चंद्र विराट दृश्य। अरे भाई आज तो पूरा स्कूल का भी क्राउड है, तो इतना भीड़ है आज, क्या बोले। आपको एक बार दिखा देता हूँ बैक साइड का वीडियो को। फुल भीड़ है आज, फुल भीड़ है अभी स्कूल का क्राउड। जैसे अभी हम लोग एंट्री किए तभी स्कूल का क्राउड आया है, और अभी तो बच चुके हैं 12:10। 5 मिनट के बाद एक शो है, गैलेक्सी शो है ना, स्काई थिएटर में। स्काई थिएटर में शो है तो चलो पहले वो भी देख लेते, फटाफट जाके पहले सीट पकड़ लेते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चल लोकर से। अभी ये वाला सिस्टम क्या बताया, क्या हर प्लेनेट पे आपका वेट कितना होता है ना, तो उसका कैलकुलेट यहाँ पे करके देता है। तो चलो देखो वेट कितना देखते हैं। हाँ तो चलो पहले मास पे देखते भाई का वेट कितना आ रहा है। 39 मास पे भाई का वेट आ रहा है। 39 केजी। 39 कितना आ रहा है वेट पीछे देखो, 24 केजी सिर्फ 24 केजी। तो अभी मैं अपना मास पे वेट देख लेता हूँ। तो मास पे मेरा वेट आ रहा है लगभग 34.5856 केजी। एक्चुअली कैसा रहता ना, ये ग्रेविटी है अपना अर्थ पे, अगर ग्रेविटी वन है ना तो अपना जुपिटर पे ग्रेविटी 2.54 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा सीन है, ठीक है। तो चलो पहले हम निकलते, अभी निकलते सीधा इधर से निकल ही जाते। चलो स्काई थिएटर, यहाँ पे भी शो है तो पहले स्काई थिएटर में चले जाते हैं। आकाश गुरु अभी खुला नहीं लगता अभी तक। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो अपने इंडियन जगदीश चंद्र जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मेघनाथ साहजी, सत्येंद्रनाथ बोस, होमी जहांगीर बाबा, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, और यहाँ पे विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये एक रेडियस टेलीस्कोप है, तो चलो इसका थियरी भी एक बार पढ़ लेंगे। मरे आपको टेलीस्कोप दिखा देता हूँ।
और सामने आर्यभट्ट उपग्रह की भी थोड़ी जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स अभी जो सामने आप देख रहे हो तो ये है कार्ल जीस यूनिवर्सल प्लैनेटोरियम प्रोजेक्टर। ओके, तो 1977 से 2003 तक ऑपरेट किया गया है। ये साइड में शायद से पूरे कैम्स लगे हुए हैं, सब जो लेंस बोल सकते हैं ये साइड में लेंसेज है शायद। चलो अभी शो चालू होना है तो पहले शो की तरफ ही निकलते हैं, हम चले जाते हैं अंदर स्काई थिएटर में। अभी हम लोग आए स्काई थिएटर में, यहाँ पे तो पूरा देख सकते पूरा यार 360 वाला सीन है इधर तो। हाँ तो अभी ब्रह्मांड की कहानी है, शो यहाँ पे शुरू होने आ रहा है, लगभग 45 मिनट्स का रहेगा शायद से। तो ये शूट तो कर लूँगा मगर पूरा नहीं डाल सकता मैं वीडियो इसमें व्लॉग में, मगर जो भी मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे वो मैं डाल दूंगा इसमें, जो मेन मेन हाईलाइट्स रहेंगे। सेंटर से भी बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, एकदम देखने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, जाता हूँ अपने सीट पर बैठता हूँ मैं और ये शो देखता हूँ। अरे कहाँ पे गए लोग, अबे तिकड़े गए हैं। सुबह का देख लेते हैं। और इतना 360 हो गया, मैं सिटी बोल गया। हेलो, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कलीग है चिंतन जोशी या शौरी अर्जुनस। 400 वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उससे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कॉपरनिकस और इटली के गैलीलियो से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की है, कुछ अंडाकार है और अन्य अनियमित आकार की है। बुध, शुक्ल, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है। तो बहुत बढ़िया शो था ये, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे अपने भाई को सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो चलो ये आज का सवाल है, अभी इतना जो अपन ने शो देखे उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपना जो अर्थ है ये कौन से गैलेक्सी में आता है? सैमसंग गैलेक्सी। जान दो भाई। चलो निकलते हैं इधर से, निकलने का टाइम हो गया है। चिंतन सर ना? Yes. सर आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। ये पूरे एशिया में केवल एक ही है जो से प्रोजेक्ट कर रहा है। बस सर थोड़ी सी जानकारी अपने नेहरू प्लानिटेरियम के बारे में। नेहरू प्लानिटेरियम जो था जो है वो 1977 थर्ड मार्च को इनॉग्रेट किया था। ओके, इट वाज सबसे पहला मतलब वन ऑफ द फर्स्ट प्लानिटेरियम्स इन द कंट्री। एंड दिस प्लानिटेरियम ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री दैट इट हैज़ बीन। तो ये पहला प्लानिटेरियम था कि जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था और उसके बाद से हम रेगुलरली इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट करते चले आ रहे हैं। देन व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर, जब आकाश क्लियर होता तो हम लोगों को दूरबीन से भी दिखाते हैं। फिर नीचे लैबोरेटरी है जहाँ पे स्कूल के बच्चे आके एक्सपेरिमेंट कर सकें, तो उसका उनके बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनको एक्चुअल मेजरमेंट लेना हम लोग सिखाते हैं। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर।
हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेहरू प्लैनेटोरियम तक घूम के आ गए। तो इसके बाद अभी बैक साइड में भी कुछ टॉवर है, तो इसमें कुछ डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री करके बोल रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ वही, अभी एक बार देख लेते क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री। तो एक बार यहाँ पे भी जाके हम विजिट करके आ जाते हैं, ठीक है। ये बैक साइड में ही है, मगर इसके बाद एक मिनट, गाड़ी आ गया, इसके बाद गाड़ी आ गई इसके बाद गाड़ी आ गया। हाँ तो इसके